तो आज इस वीडियो में स्पून से इयररिंग्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने स्पून ली है प्लास्टिक की और इसको मैं कट कर दूंगी। आप इसमें ट्रांसपेरेंट स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई सी कलर की हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक कलर कर दूंगी। और अगर आपको अदर वीडियोस देखते हैं हैंडमेड ज्वेलरी के या फिर इयररिंग्स या फिर फ्लावर ज्वेलरी या फिर ब्राइडल लटकन के, तो इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारी वीडियोस का जो लिंक है वो डाल कर रखा है, तो क्लिक कर कर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। फ्रंट और बैक पर दोनों तरफ कलर कर देंगे। और यहाँ पर मैंने ग्लिटर वाला कलर लिया है गोल्डन कलर, तो मैं इसको भी थोड़ा सा इस पर उसे कर दूंगी। फिर इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है, फैब्रिक ग्लू से मैं इस पर चिपका दूंगी फ्रेम कुंदन को। आप चाहें तो इसमें अदर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें फ्रेम कुंदन की जगह पर स्टोन चेन, बॉल चेन या फिर अदर डेकोरेटिव आइटम्स का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कुंदन लगाने के बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूंगी और इसके बैक वाले पार्ट पर लगा देंगे इयररिंग स्टैंड को फैब्रिक ग्लू से। इयररिंग स्टैंड इसमें लगा दूंगी, जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसमें इयररिंग स्टॉप्स को लगा दूंगी। एंड देखिए जो इयररिंग्स है वो रेडी हो गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।